आपका एक नए लेक्चर इस इलेक्ट्रोस्टैट में। याद कीजिए, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे डिफरेंट शेप ऑफ चार्जेस के आसपास, अलग अलग शेप ऑफ चार्जेस के आसपास पोटेंशियल कितना। एक्चुअली पोटेंशियल एक जगह पे डिफाइन होता ही नहीं। डिफाइन होता क्या था, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पोजीशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन, विच वीआर टू माइनस वीआर वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स फ्रॉम वन पोजीशन से अदर पोजीशन विच परमिट चार्ज। यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने में जितना उस इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्णन हो रहा था, उसी को हम वर्णन को पोटेंशियल के टर्म में लिख रहे हैं। और इसी वर्णन पर यूनिट चार्ज को अगर फील्ड के टर्म में लिखें, याद कीजिए लास्ट क्लास में यूज किए, वर्णन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखें तो वर्णन को एफ डी आर लिख सकते हैं। एफ को क्यू ई में क्यू हट जाएगा, ई डॉट डी आर कहां से कहां तक, आर वन से आर टू तक। जिसमें रिलेट किए थे कि किसी भी चार्ज के आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल नहीं, डिफाइन डिफरेंस होता था। हाँ, एक जगह पे पोटेंशियल डिफाइन करते थे, कैसे डिफाइन करते थे, एक जगह रेफरेंस लेकर। मींस लास्ट क्लास में अलग अलग शेप ऑफ चार्जेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्णन कितना करना पड़ेगा, उस वर्णन को पढ़ रहे थे पोटेंशियल के हल से। उसी में एक टर्म और है, हेडिंग डाले हैं टॉपिक का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। लास्ट क्लास में यूज किए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आसपास तो पोटेंशियल कैसे निकालेगा। हाँ, पोटेंशियल एक जगह पर नहीं, दो पॉइंट के बीच डिफाइन होता था। एक जगह डिफाइन करना हो तो एक रेफरेंस, रेफरेंस लेके किसी जगह पोटेंशियल कितना है वो डिफाइन किए थे अलग अलग केस में। लेकिन याद कीजिए, जितना भी डिफाइन किए थे कुछ खास शेप था कि पॉइंट चार्ज के आसपास, रिंग के आसपास, डिस्क के आसपास, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ खास शेप के आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना सीखे थे। लेकिन याद कीजिए, चार्ज ऐसा ही नहीं, अलग अलग शेप का हो सकता है। वैसे में जनरली हम लोग को कभी कभी रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही कोई भी दे देगा। जैसे हम लोग अभी तक जो डिफाइन किए थे वो कुछ खास शेप डिफाइन किए थे, कुछ पर्टिकुलर शेप ऑफ चार्जेस के आसपास फील्ड, आसपास पोटेंशियल। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उसमें पोटेंशियल निकालना। इसी इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें, जिसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, इस इक्वेशन जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिख रहा है, अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखे तो इसको आप चाहे तो डीवी बराबर माइनस, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, इसको चाहे तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही क्यों लिखे, कुछ और क्यों नहीं लिखे, तो ध्यान दो सर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर इसको इंटीग्रेट कर, अगर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद अगर ये मिलता है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलना चाहिए, तो ना ठीक उल्टा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अगर मिल रहा है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलना चाहिए। डिफरेंशिएट किया अगर ये मिल रहा है, इंटीग्रेट करेंगे तो वापस मिलना चाहिए। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सीधा दिख जाएगा। और डीवी का इंटीग्रेशन भी होता है, लिमिट बैठाइएगा तो वीआर टू माइनस वीआर, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा तो E बराबर माइनस डी वी बाई डी। अगर कुछ डिफाइन शेप है इसका तो पोटेंशियल भी पड़े है, फील्ड भी पड़े। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कुछ डिफाइन शेप ऑफ चार्जेस के अलावा
दूसरे चार्जेस का फील्ड दे देगा, पोटेंशियल पूछेगा, कभी कभी उल्टा पोटेंशियल दे देगा अब पूछेगा फील्ड कितना। याद कीजिए पोटेंशियल स्केलर था, डिफरेंशिएट करेंगे तो स्केलर मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसके लिए थोड़ा सा यूनिट वेक्टर खाली जोड़ ली, जिधर भी फील्ड होगा वो रिलेट करेगा। मतलब आपसे फील्ड ऐसे ही कोई दे सकता है, अब पूछेगा पोटेंशियल कितना। आपको ऐसे ही पोटेंशियल दे सकता है, अब पूछेगा फील्ड कितना। तो मैं थोड़ा सा कुछ जो पर्टिकुलर शेप ऑफ चार्जेस अभी तक बात किया था, अब कुछ और शेप ऑफ चार्जेस या ऐसे ही कोई फील्ड दे के पूछेगा तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में। विच कैलकुलेशन ऑफ, अभी पहले भी निकालते हैं, अभी जो पिछले लेक्चर तक बात कर रहे थे, अभी पहले भी निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ वी व्हेन ई इज गिवन। रिलेट करना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही कुछ दिया है, कुछ डिफाइन शेप का तो किया है, अगर ऐसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो उसमें पोटेंशियल कैसे निकालें। अलग अलग कंडीशन में बात करें, जहां पे पहला कंडीशन में मान के चल रहा है कि इफ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, कुछ एक्स कंपोनेंट, कुछ वाई कंपोनेंट और कुछ जेड कंपोनेंट, अब वो भी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है मान के चल रहे हैं वेक्टर फॉर्म में दिया है, वो भी कैसा कॉन्स्टेंट। अब तक पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा, याद कीजिए पोटेंशियल एक जगह पे डिफाइन नहीं होता है, जब भी डिफाइन होता है डिफरेंस। हां एक जगह पे डिफाइन कर सकते हैं अगर एक जगह दिया है, नहीं तो अपने मन से रेफरेंस कहीं माने। पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पोजीशन के बीच अगर पूछा जाए, विच इज वी ए माइनस वी बी, तो इसको लिख सकते हैं कि वी आर टू माइनस वी आर वन में, वी ए माइनस वी बी में, वी आर टू का मतलब ए का पोजीशन, ध्यान दे थोड़ा सा पढ़े हैं वी आर टू माइनस वी आर, अब वी बी का मतलब ये जो दूसरा पोजीशन है, पहला वाला पोजीशन है वो आर बी वाला पोजीशन है, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन में जो आर वन था, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, वी आर टू माइनस वी आर वन में आर वन लोअर लिमिट मतलब ये आर बी है, ये वाला कितना, विच इज वी ए माइनस वी बी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे जिस फॉर्म में दी लेकिन अगर कांस्टेंट दिया है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। ई अगर इंटीग्रेशन से बाहर हुआ तो डी आर का इंटीग्रेशन लिमिट बैठाइएगा आ जाएगा आर ए माइनस आर बी, जहां से अगर इसको माइनस को अगर अंदर कीजिएगा तो यह आ जाएगा ई का डॉट प्रोडक्ट आर बी माइनस आर है। ई का डॉट प्रोडक्ट आर बी का मतलब बी का पोजीशन, आर ए मतलब ए का पोजीशन, और इसको अगर लिखिएगा तो ये ए बी वेक्टर, याद कीजिए थोड़ा सा, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ए और बी का अगर पोजीशन दिया है तो इस ए बी वेक्टर, इस ए का पोजीशन बी का पोजीशन दिया है तो इस ए बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए बी का मतलब है बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, उल्टा हो ये वेक्टर में पढ़ना, मतलब जिस दो पोजीशन के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, जिस दो पोजीशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी ए माइनस बी बी, इस तरह से करके निकाल सकते हैं। रखना मुश्किल है, हर चीज कितना रटिएगा, हाँ ये डिफिनेशन ध्यान में रखिए, और जैसा जरूरत पड़े कांस्टेंट बोले तो कांस्टेंट की तरह से, वेरिएबल बोले तो वेरिएबल की तरह से बात करें।
मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से निकालेंगे। ये तब था जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया है और भी कैसा दिया है, कांस्टेंट। जैसा जरूरत पड़े उस हिसाब से पूछ सकते हैं। अगर एक और कंडीशन में बात करें, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बाय मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इज गिवन, मतलब इस बार वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, अगर मैग्नीट्यूड वैल्यूज वाइज दिया है कि हर जगह सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है लेकिन कांस्टेंट दिया है, मैग्नीट्यूड वाइज दिया है, अतः पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच कुछ हो, कहीं होगा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया है, सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज दिया है, हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी दो पोजिशन के बीच। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है यही वाला यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस Va माइनस Vb बराबर E डॉट Ab में, अगर वेक्टर फॉर्म में देता तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज दिया है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस A का मैग्नीट्यूड नीचे लिख लेते, इस E का मैग्नीट्यूड, इस Ab का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच कॉस थीटा। मतलब जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस दो पोजीशन के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस दो पोजीशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वेक्टर फॉर्म में देता तो सिंपली खाली डॉट प्रोडक्ट कर दे, वेक्टर फॉर्म में देता तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट कर दे, अगर मैग्नीट्यूड वाइज दिया है तो मैग्नीट्यूड ऐसे तोड़ सकते हैं, जहां से देख सकते हैं ई तो हो गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ए बी क्या है, ए बी का मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड खाली, और थीटा क्या था, तो थीटा हो जाएगा इस दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट तोड़े थे तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला एंगल, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो ए बी वेक्टर आ रहा है दोनों के बीच थीटा। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसका मैग्नीट्यूड दिया है हर समय सेम है, अब पूछा है कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, वेक्टर फॉर्म में देता तो सिंपली खाली डॉट प्रोडक्ट कर दे, अगर मैग्नीट्यूड वाइज दिया है, अब पूछ रहा दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो ई मैग्नीट्यूड बाय ए बी इंटू कॉस थीटा। इसी को थोड़ा सा और अरेंज करें, ए बी मतलब इसका डिस्टेंस होगा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बनाया जाए, देख थोड़ा सा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ए बी 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जिधर एंगल मालूम है ये बेस, 90 के सामने ये जो हाइपोटेनस ए बी है, अगर बेस निकाला जाए तो इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकते, मतलब इस ए बी कॉस थीटा को इस दो पॉइंट के बीच ये वाला डिस्टेंस लिख सकते हैं विच ई इंटू डी, वेयर डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, बिटवीन उस दो पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दे, बात करना चाह रहा है कि आसपास कोई भी फील्ड, इससे पहले हम लोग कुछ डिफाइन शेप का किए थे, पॉइंट चार्ज, हॉलो रिंग, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ डिफाइन शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, अब पोटेंशियल निकालना सीखे थे। अभी क्या, अगर ऐसे ही कोई फील्ड दे दे, चार्ज अलग अलग शेप का हो सकता है, ऐसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे तो निकालना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया ही कांस्टेंट दे तो इस तरह से निकालेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में देने की वजह अगर मैग्नीट्यूड निकाल दे तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से निकालेंगे, जिसमें दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस उस दो पोजिशन के बीच, लेकिन सीधा वाला डिस्टेंस नहीं, वही दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेकिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब जिस दो पोजीशन के बीच
आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सीधा डिस्टेंस निकालिएगा तो एंगल भी निकालना पड़ेगा। सीधा डिस्टेंस निकालने के बजाय उस दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते। जहां पे ई मैग्नीट्यूड था और डी मैग्नीट्यूड था तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब, क्योंकि वेक्टर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव आने का मतलब बता रहा है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा अब बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा अब बी का पोटेंशियल कम होगा। इससे एक पॉइंट निकल रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़िएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़िएगा, ए ज्यादा था अब बी कम पोटेंशियल का था, ये पॉजिटिव आने का मतलब ये ज्यादा है बी ज्यादा, बी कम, ये ज्यादा है बी कम है। जो एक रिजल्ट की तरह से अगली बार यूज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ए पे पोटेंशियल ज्यादा बी पे कम, आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल घटेगा, जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल उतना ज्यादा घटेगा। मतलब एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है उसके अपोजिट में बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में बढ़ेंगे तो जब परपेंडिकुलर में बढ़िएगा तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस जीरो हो। पोटेंशियल डिफरेंस था ई इंटू डी डी, उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप परपेंडिकुलर में बढ़िएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्टेंस जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जीरो का मतलब पोटेंशियल जीरो रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। मतलब एक पॉइंट बोल सकते हैं कि एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ए पे जाता बी पे कम घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में पोटेंशियल बढ़ेगा, अब परपेंडिकुलर में कितना भी बढ़ जाइए पोटेंशियल घट जाएगा सेम रहेगा। इसको दूसरे तरह से या डेफिनेशन से भी सोच सकते हैं, पोटेंशियल वर्गडन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, ये अपोजिट में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण परपेंडिकुलर में कितना भी मूव कीजिएगा वर्गडन जीरो होगा, और अगर वर्गडन जीरो हुआ तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। मतलब एक पॉइंट यहां निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, अपोजिट में पोटेंशियल बढ़ता है और ठीक परपेंडिकुलर में पोटेंशियल सेम रहेगा। उसको नोट कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर ली, इसको नोट करिए पहले। तुम लोग सीख रहे हैं कि ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा। सीख है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनेशन था विच माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से निकाल सकते, वेक्टर फॉर्म में दे रहा था तो ये सिंपली बाहर हो जा रहा था, अब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालना था तो ये लिख रहा था तो आ रहा था ई का डॉट प्रोडक्ट ए बी के साथ। जरूरत नहीं है रटने का, प्रॉपर ये डिफिनेशन याद कीजिए, जिसके बीच बोलेगा थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर उसी में निकाले कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में देने के बजाय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खाली मैग्नीट्यूड वाइज दे रहा है और किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वी बराबर ई इंटू डी, बी बराबर ई इंटू डी, जहां पे ई अगर मैग्नीट्यूड और डी इज डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बीच, जिस दो पॉइंट के बीच निकालना है, जिस दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस नहीं, उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
हाँ उसमें एक पॉइंट निकला था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घट रहा था, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ेगा, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हो जाएगा सेम रहेगा। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा पूछ गए, ये तो हुआ कि पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा किस तरह से रिलेट करेंगे। अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल उस पर बात कर लेते हैं। जैसे दिया है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह सेम 20 न्यूटन पर कूलम, अब कुछ पॉइंट उस फील्ड में मेंशन है, अब तब निकालना चाह रहे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर जिस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम दिया है तो सिंपली ई इंटू डी, जहां पे ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 20, और डी इज डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच सीधा वाला नहीं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस दो पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस पता है तो निकाल सकते हैं बी और ए, तो बी यहां ए यहां, बी और ए के बीच डिस्टेंस दिया 10 सेंटीमीटर, लेकिन बी और ए के बीच डिस्टेंस नहीं, बी और ए के बीच का डिस्टेंस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चाहिए। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो दिस विल बी द डिस्टेंस इस दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। डिस्टेंस निकालिएगा, डिस्टेंस निकालिएगा सीधा वाला तो आपको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालिएगा तो सिंपली ई इंटू डी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो आएगा वो 5 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच बीच आएगा, जहां से 5 सेंटीमीटर को एसआई में लिखिएगा क्योंकि ये एसआई में दिया हुआ 20 न्यूटन पर कूलम। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस में अगर सीधा सीधा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पता है तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा, पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पोटेंशियल घटता है, घटने का मतलब ए पे कम होगा और बी पे ज्यादा होगा, बी पे ज्यादा होगा ए पे कम होगा, मतलब ये पॉजिटिव ही आ रहा है। दैट इज इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 × 5 100 और 10^-2 दैट इज इक्वल टू कितना, 10^-2। अगर आपसे एक और कंडीशन में बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है ई इंटू डी, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डी इज नॉट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का डिस्टेंस। इस बी और सी के बीच डिस्टेंस 10 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होने के कारण सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू, यहां से अरेंज करोगे तो ये 2 वोल्ट है। अगर इसी में अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सी और ए के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, जिस दो पॉइंट के बीच निकालना है उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस निकालिएगा तो एंगल निकालना पड़ जाएगा, उस दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस नहीं, उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं सी और ए, डिस्टेंस 10 लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में निकालोगे तो ये डिस्टेंस आएगा, ये टोटल 10 सेंटीमीटर था, ये वाला बात करोगे तो 5 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 × 5 सेंटीमीटर विच इक्वल टू 5 × 10^-2 मीटर। हां थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि सी पहले कि ए आगे, आप पहले तो पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, मतलब सी पे कम ए पे ज्यादा, ए पहले है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले है ए, सी आगे है, सी पे पोटेंशियल कम होने के कारण आप अलग से एक माइनस, दैट इक्वल टू यहां से निकालिएगा तो
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस वन फोल्ड। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर दो पॉइंट के बीच पूछता तो परपेंडिकुलर जगह पोटेंशियल सेम होने के कारण जब डिफरेंस पूछता तो जीरो आता। तो जैसा पूछा जाए उस हिसाब से निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, एक एग्जांपल इस तरह का और हम लोग बात करते हैं। तो निकालना सीख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। एक और एग्जांपल अगर बात करें, किसी रीजन में हर जगह सेम फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड, लेकिन फील्ड वेक्टर में देने के बजाय मैग्नीट्यूड में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है, कुछ एंगल भी दिया है कि इस डायरेक्शन में है, और इस रीजन में दो पॉइंट ए और बी पूछ रहा है, उस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना। पढ़े हैं कि अगर किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है तो E इंटू डी करके आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। जहां पर डी इज डिस्टेंस नहीं, डी इज डिस्टेंस नहीं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस दो पॉइंट के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस नहीं, उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बहुत बार मैग्नीट्यूड देने के बावजूद दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में निकालना आसान नहीं। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोग एग्जांपल किए थे वहां पे डिस्टेंस आसानी से दो पॉइंट के बीच निकाल ले रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, तो आसानी से पोटेंशियल इफेक्ट निकल रहे। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। वैसे केस में जिस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अगर सीधा डी निकल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो प्रॉपर डिफिनीशन के साथ निकालिए। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वीए माइनस वीबी में, डिफिनीशन याद करो, पढ़े थे वीआर टू माइनस वीआर वन, पढ़े थे वीआर टू माइनस वीआर वन इज इक्वल टू आ रहा था माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन आर वन से आर टू तक, याद कीजिए थोड़ा सा डी आर टू माइनस। अगर वीए माइनस वीबी बोला है तो आर टू मतलब ए का पोजिशन, मतलब ये आ जाएगा ए का पोजिशन, आई आ जाएगा बी का पोजिशन, वी आर टू माइनस दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉन्स्टेंट दिया कि वेरिएबल दिया है, हर जगह सेम। मैग्नीट्यूड में निकालना आसान था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कांस्टेंट दिया है, इस ई को बाहर निकालोगे तो ई का डॉट प्रोडक्ट में डी आर का इंटीग्रेशन में आर ए माइनस आर बी में, माइनस को हटा दोगे तो आर बी माइनस आर ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया मैग्नीट्यूड वाइज है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख ले तो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड वाइज दिया है, अगर किसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में निकाल लें, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, ए और बी का पोजीशन हम लिख सकते हैं, आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। मतलब उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और याद कीजिए, अगर कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से अगर 30 डिग्री पे है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 100 एक्स के तरफ कॉस 30 आई कैप प्लस 100 वाई के तरफ साइन 30 जे कैप। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट बी का पोजीशन, बी का कोऑर्डिनेट दिया 0.4, लिखोगे तो वेक्टर में आ जाएगा 4 जे खाली, आई वाला 0 है। ए का पोजीशन लिखोगे तो ए का कोऑर्डिनेट दिया 3.0, लिखोगे तो खाली 3 है। पोटेंशियल डिफरेंस उस दो पॉइंट ए और बी के बीच निकालना है इज इक्वल टू, थोड़ा सा अरेंज करो, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 रूट 3 बाई 2, तो से 2 कैंसिल आउट, बच जाएगा 50 रूट 3 आई का, साइन 30 1 बाई 2 में ही आ जाएगा 50 जे का, इसका डॉट प्रोडक्ट आई वाला अगर पहले लिख लो तो माइनस 3 आई प्लस 4 देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालना सबसे आसान होता है, सेम के साथ 1 और दूसरे के साथ 0,
परपेंडिकुलर आई डॉट आई वन होने में मैग्नीट्यूड बाहर, विच इज 50 रूट 3 इंटू माइनस 3। अब दूसरे ये माइनस 3 ठीक है, अब दूसरे में बात कीजिएगा तो 50 इंटू 4 जे डॉट जे 1 होता है। कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़िए। थोड़ा सा कॉमन निकल रहा है, 50 निकल रहा है, यह आ जाएगा 4 माइनस 3 रूट 3, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस उस ए और बी के बीच कुछ इतना वोल्ट में। अगर दो पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सीधा निकलता है तो उस तरह से, नहीं तो कांस्टेंट दिया तो वेक्टर फॉर्म में लिख के निकाल सकते, जैसा पूछा जाए उस हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे एक और कंडीशन में बात करें कि इफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है अभी तक कांस्टेंट मान रहे थे, अगर वेरिएबल अगर आर का फंक्शन दे तो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है लेकिन वेरिएबल है अभी किसका फंक्शन है, आर का। पढ़े थे कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस में आ रहा था नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक, आर वन से आर टू तक। पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो कुछ नहीं, ई अगर आर के टर्म में देगा तो बैठा देंगे, आर आर सेम है आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। अगर इसी में बोला जाए कि अगर ये आर का फंक्शन देने के बजाय अगर ये एक्स का फंक्शन दे तो, कुछ नहीं, जिस तरह से आप आर के टर्म में सोचते हैं उसी तरह से एक्स के टर्म में सोचे भी, आर टू के बजाय एक्स टू, दो पोजीशन खाली एक्स का बात होगा क्योंकि एक्स के टर्म में बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर के टर्म में था तो आर के टर्म में इंटीग्रेशन, अगर एक्स के टर्म में होगा तो एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन, अगर वाई के फंक्शन में होगा तो वाई के टर्म में इंटीग्रेशन, उस तरह से आप कर सकते। चलो एक आध एग्जाम्पल इस तरह देखते हैं तो हम लोग बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कीजिए। तो एक एग्जाम्पल अगर बात करें, बोल रहा है एक लाइन चार्ज, जब तक नहीं कुछ बोला जाए ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है लाइन चार्ज में, कोई दो पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सोच रहे हैं ए और बी, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ एंगल पे ये पॉइंट है, मान ले रहे हैं कि यहां से ए डिस्टेंस और यहां से कितना डिस्टेंस, कुछ होगा बी डिस्टेंस, अतः निकालना चाह रहे हैं कैलकुलेट V माइनस बी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे। याद कीजिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, लाइन चार्ज में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाता है कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर, किसी लाइन चार्ज का इनफिनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक, जैसे जैसे दूर जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। अगर एक्स के टर्म में लिखते तो एक्स के टर्म में सोचना होता, अगर आर के टर्म में लिखे हैं तो आर के टर्म में सोचना होगा। हाँ बस थोड़ा सा करना क्या होता है कि वी ए माइनस वी बी में वी आर टू माइनस वी आर वन में वी आर टू माइनस वी आर वन में थोड़ा सा लिख लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वी आर टू माइनस वी आर वन में लिमिट था आर वन से आर टू तक, इस आर वन का मतलब इस बी का पोजीशन, इस आर टू का मतलब ए का पोजीशन, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था आर का फंक्शन था 2k लैम्डा बाय आर, डी आर का इंटीग्रेशन इस आर वन मतलब आर बी, इस आर बी का वैल्यू कितना, तो बी का पोजीशन इस वायर से लीजिएगा तो बी, और इस ए का पोजीशन लीजिएगा इस वायर से तो ए, बाकी पॉइंट कितने एंगल पे है याद कीजिए थोड़ा सा,
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर उधर कितना जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना जाते हैं उससे फर्क पड़ता है। ओवरऑल यहां पर आप एरे की करके लिख सकते हैं विच इज 2k λ/r इंटू उस डी आर का इंटीग्रेशन बी से ए का। 2k λ हर जगह सेम होगा, dr/r का इंटीग्रेशन ln r होता है, लिमिट अभी बाकी है dr 2k λ बाहर, dr/r का इंटीग्रेशन ln r लिमिट अभी बाकी है। r बराबर b से r बराबर a तक अरेंज कीजिएगा, 2k λ माइनस को अंदर कर दीजिए तो लोअर लिमिट पहले विच ln b अपर लिमिट माइनस में ln a अरेंज कीजिएगा तो लिख सकते हैं 2k λ ln b by जितना पॉइंट कितने एंगल पे है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ने से पोटेंशियल घटता है, पीछे बढ़ने से बढ़ेगा, परपेंडिकुलर हमेशा सेम रहेगा। पॉइंट चाहे कितना भी एंगल पे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग कंडीशन में हम लोग सीख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, चार केस में निकालें। इसी में है कि इफ अगर किसी रीजन में दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन वेरिएबल है, पिछले बार x का फंक्शन था तो x के टर्म में सोचते थे, y का फंक्शन रहेगा y के टर्म में सोचते थे, r का फंक्शन था r के टर्म में सोचते थे। इस बार बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, x का फंक्शन है, मतलब कुछ x कंपोनेंट और भी वेरिएबल, ये सब वेरिएबल है, कांस्टेंट में पहले ही सीखे। अब तक अगर आपसे पूछा जाए कि किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उस वेरिएबल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस वेरिएबल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x का फंक्शन अगर y का फंक्शन अगर z का फंक्शन अब तीनों वेरिएबल है तो इस dr का मतलब याद है क्या, पोटेंशियल वर्डन पॉइंट चार्ट था जिसको लिख रहा था तो E.dr एक डिस्प्लेसमेंट था, वर्डन से डिस्प्लेसमेंट वहां था। और अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्स वेरिएबल है फील्ड वेरिएबल है तो जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो तीनों डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, कुछ एक्स में डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ वाई में डिस्प्लेसमेंट होगा और कुछ जेड में डिस्प्लेसमेंट होगा। जिसको अगर थोड़ा सा अरेंज करो तो I.I1 में यह आ जाएगा EX/dx प्लस EY/dy प्लस कितना, कहां से कहां तक, जहां से जहां तक बोला जाए। इस तरह से 11th में वर्डन निकाले थे, वर्डन ही निकाल रहा, ये E.dr क्या बता रहा था, वर्डन पर यूनिट चार्ज, वर्डन निकालने के लिए इस तरह से आप 11th में सीखे थे कि अगर फोर्स तीनों का फंक्शन हो तो डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शन में इस तरह से लिखना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तबल की तरह पड़े। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बात करें कि किसी रीजन में इन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दिया, एक्स में भी वेरिएबल है, 3y²z में भी वेरिएबल है, अब प्लस 2k जेड में नहीं वेरिएबल, एक्स में वेरिएबल है, वाई में वेरिएबल है, जेड में वेरिएबल नहीं है, उसमें भी रहता उसमें भी सोचता है। फाइंड पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए 1, 2, 3 एंड पॉइंट बी 2, 4, 1। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तीनों डायरेक्शन में वेरिएबल दिख रहा है, एक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों ही डायरेक्शन में वेरिएबल बात करें क्योंकि बाकी सब वेरिएबल है। तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लिख सकते हैं VA-VB is equal to, तीनों में वेरिएबल होने के कारण EX/dx प्लस EY/dy प्लस EZ/dz कहां से कहां तक, तो VR2-VR1 में ये R1 मतलब RB से RA आएगा, ये ऊपर चला जाए।
इस ex का वैल्यू 2x था dx, ey का वैल्यू -3y², z का वेरिएबल 2 है, लिमिट अभी बाकी है कहां से कहां तक, तो जहां से जहां तक बोला जाए b का पोजीशन मतलब 2, 4, 1 से 1, 2, 3 तक। 2x का इंटीग्रेशन अगर निकालोगे तो x² आएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका आ जाएगा -y के, इसका आ जाएगा 2z, लिमिट बाकी है लोअर लिमिट 2, 4, 1 अपर लिमिट 1, 2, 3। सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे तो कुछ नहीं, जैसे एक का लिमिट डालते हैं तीनों वेरिएबल हो तीनों का लिमिट आएगा, सबसे पहले अपर लिमिट में जहां जहां x है वहां वहां पे 1, जहां जहां पे y है वहां वहां पे 2, जहां जहां पे z है वहां वहां पे 3। जब आप लोअर लिमिट डालते हैं तो एक माइनस एक्स्ट्रा आने के कारण माइनस माइनस प्लस, जहां जहां x है वहां वहां पे 2, जहां जहां पे y है वहां वहां पे 4, जहां जहां पे z है वहां वहां पे 1। इसको तो अरेंज कर ही सकते हैं, कितना हो जाएगा 6x7 में से 8 गया -1, 8 है 7 -8 -1, अब माइनस माइनस प्लस वन, इधर कितना 4 2 6 अब माइनस 4 4 16 64 6 64 64, आइए 6 में आ जाएगा 58 64 6 58, घटा के निकाल लीजिए जितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, जगह नहीं मेरे पास, जगह नहीं है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलो फिर इसको नोट करो तो कुछ और इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सीखे अलग अलग कंडीशन में, थोड़ा सा उल्टा सोचना चाह रहे कि अगर किसी रीजन में अगर पोटेंशियल दिया है तो फील्ड कैसे निकाले, अभी तक फील्ड था दिया रहता था पोटेंशियल निकालते थे, अब उल्टा अगर किसी रीजन में पोटेंशियल दिया है तो फील्ड कैसे निकाले। स्टार्ट किए थे डिफिनेशन था Vr2 - Vr1 - E·dr का इंटीग्रेशन, जब इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख रहे थे तो ऐसा लिख रहे थे, अगर ई दिया था तो वी निकालने के लिए इंटीग्रेशन, उल्टा अगर वी दिया है ई निकालना है तो डिफरेंशिएशन। वही रिलेट करना चाह रहे हैं कि अगर किसी रीजन में वी दिया है तो ई कैसे निकालना, एज पढ़े हैं कि ई बराबर था -dv/dr, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होने के कारण एक अलग से यूनिट वेक्टर हमको जोड़ना पड़ता है, डिपेंड। अगर ये आर का फंक्शन रहता फॉर वी, अगर आर का फंक्शन होता तो ई बराबर -dv/dr, अगर ये आर का फंक्शन के बजाय अगर एक्स का फंक्शन होता तो कुछ नहीं। साथ में जब डायरेक्शन का बात होता है तो ये एक्स में है आई का, अगर वाई का फंक्शन होता तो एक्स के बजाय वाई के टर्म में बोलता तो कुछ नहीं, -dv/dx जिसके टर्म में रहता उसके टर्म में सोचते हैं। जैसे आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं, ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन बोल रहा है, किसी रीजन में पोटेंशियल अगर इस तरह से वेरी कर रहा है, जहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
एक्स इज इन माइक्रोमीटर, ये जो डिस्टेंस दिया है वो माइक्रोमीटर में दिया। देखते हैं यूनिट का क्या फर्क पड़ता है। किसी रीजन में दिया पोटेंशियल और पूछ फील्ड रहा है, पोटेंशियल एक्स का फंक्शन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, इसको हमको एक्स के टर्म में सोचना पड़ेगा। वाई के टर्म में देता तो वाई के टर्म में सोचते, आर के टर्म में देता तो आर के टर्म में सोचते। बीच उस वी का एक बार डिफरेंशिएशन, वी था 20/x²-4, इसका डिफरेंशिएशन एंड डायरेक्शन अपने आप आएगा। याद को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आसान होता है, -20 बाहर इसको नीचे रखने के बजाय अगर ऊपर लेके जाए x²-4 अब पावर -1। डिफरेंशिएशन कितना भी लेंदी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक एक करके तोड़िए। एक एक करके तोड़ने में स्टार्ट सबसे बाहर से करते हैं, अब बाहर में पावर -1, बाहर में पावर -1 में सबसे पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन डायरेक्शन होगा। पावर का एक ही डिफरेंशिएशन था कि जितना भी पावर है उतना इनटू एक पावर घटा देंगे, विच x²-4 का पावर कितना -2, -1 था एक पावर घटा। ये खाली पावर का हुआ, इसके बाद एक करके अंदर जाएंगे तो x के रेस्पेक्ट में इस x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, अब -4 का 0। थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा तो -20 -20 +20 ये 2 40x/x²-4 का पावर +2 वो नीचे नहीं आ गया। आई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आई क्या था वैसे रहेगा। एट एनी पोजिशन पूछता तो ऐसा लिखते, लेकिन एट एनी पोजिशन पूछने के बजाय बोल रहा कि अगर डिस्टेंस एक्स माइक्रोमीटर मिले तो x = 4 माइक्रोमीटर पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, 40। एक्स का वैल्यू कितना था 4 माइक्रोमीटर। एट x = 4 माइक्रोमीटर मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे 4 माइक्रोमीटर बैठो। x² दैट इज 4 माइक्रोमीटर, माइक्रो का होल स्क्वायर -4 और इसका होल स्क्वायर आएगा जितना आ जाए, और साथ में डायरेक्शन भी पास। 4 × 16 = 160 माइक्रो ऐसे रहने दें तो 4² = 16 - 4 दैट इज 12, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहले ही बोला हुआ था कि एक्स माइक्रोमीटर में, पहले ही एक्स माइक्रोमीटर में होने के कारण अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा क्योंकि पहले ही दे दिया है एक्स इज इन माइक्रोमीटर, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं। हाँ लिखेगा तो 40 × 4 = 160 माइक्रो ऊपर बचिएगा, लेकिन एक्स माइक्रोमीटर में ही लेना था। 16 - 4 = 12 स्क्वायर 144। ये माइक्रो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, ये माइक्रो में था इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आई क्या डायरेक्शन में, जहां से अगर लिखिएगा तो 16 से ऊपर नीचे कटेगा, 16 से ऊपर नीचे कटने का मतलब ये 10/9 माइक्रो न्यूटन पर कूलम, विच इज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का।
जिसको लिखना चाहे तो 10^9 माइक्रो, कभी कभी न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के बजाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन था फोर्स पर चार्ज, न्यूटन पर कूलम को लिख ही सकते हैं, बहुत बार फोर्स पर के बजाय यहां से लिखा जाता है यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड था वोल्ट बाई डिस्टेंस, जिसको लिखेगा तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स बाई चार्ज भी लिख सकते हैं, अब वी बाई डी, वी बाई डी डिस्टेंस, तो जैसा जरूरत पड़े आप लिख सकते हैं। एक कंडीशन इसमें और है, पहले इसको नोट कीजिए तो हम बात करते हैं। इसमें एक लास्ट टाइप का अगर बात करें जो पूछा जाता है, बात कर रहे थे कि पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेगा, निकालने में बात हो रहा था कि अगर ई देता था तो इंटीग्रेट करते थे तो वी निकलता था, वी दिया है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ई निकलेगा, जब ये आर का फंक्शन था तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, एक्स का फंक्शन था तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, वाई का रहेगा तो वाई के टर्म में करेंगे, अगर पोटेंशियल तीनों का फंक्शन होता, आर का था तो आर के टर्म में करते थे, एक्स का था तो एक्स के टर्म में, अगर तीनों का टर्म तीनों के टर्म में हो तो अगर पोटेंशियल अगर तीनों के टर्म में है तो सीधा सीधा तीनों के टर्म में डिफरेंशिएट करना मुश्किल, दिया पोटेंशियल है तीनों के टर्म में, सीधा सीधा तीनों के टर्म में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इसमें एक डेल ऑपरेटर आता है जो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, एक डेल ऑपरेटर बोलते हैं, डेल ऑपरेटर से इसको निकाला जाता है, जिसको ज्यादा लेंदी करने के बजाय थोड़ा सिंपल फॉर्म में अगर बात करें तो इसको सीधा सीधा तीनों के इसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से, पार्शियल डिफरेंशिएशन से एक्स के रेस्पेक्ट में अलग, वाई के रेस्पेक्ट में अलग, जेड के रेस्पेक्ट में अलग, तीनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है। ये इस डेल ऑपरेटर का मीनिंग होता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, इधर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 11th में भी वर्क निकालने में इस तरह से जरूरत पड़ा था कि अगर अगर तीनों के टर्म में वेरिएबल है, वर्क नहीं, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन याद करो, एफ बराबर माइनस डी बाई डी एक्स। 11th में इस तरह से हुआ था कि अगर x का फंक्शन होगा तो x के रेस में डिफरेंशिएशन, y का फंक्शन होगा तो y के रेस में डिफरेंशिएशन, अगर तीनों का फंक्शन होगा तो तीनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, जहां पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन से भी आसान होता है, वेयर ये जो डेल वी बाई डेल एक्स है इसको पढ़ते हैं डेल वी बाई डेल एक्स, ये और भी आसान है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, उस भी का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, बाय ट्रीटिंग अदर वेरिएबल एज कॉन्स्टेंट, ये और भी आसान है, और भी आसान है, ये डिफरेंशिएशन से भी आसान है, याद के लिए जब डिफरेंशिएशन x इंटू वाई का रहता था तो x भी वेरिएबल काउंट होता था, y भी वेरिएबल होता था, और जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में था तो एक को छोड़ते थे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, y को छोड़ते थे उस x का डिफरेंशिएशन करते थे, उस डिफरेंशिएशन से भी आसान पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि अगर इस x इंटू वाई का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रेस में कीजिएगा तो खाली वही वेरिएबल होगा और दूसरा जो वेरिएबल जो था भी इस केस में कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब x के रेस में करें तो जो y वेरिएबल काउंट हो रहा था अब वो y कांस्टेंट काउंट होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर, कांस्टेंट डिफरेंस से बाहर होता है ये x का डिफरेंशिएशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन से भी आसान।
एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो खाली एक्स वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो खाली वाई वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो खाली जेड वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये मेडिकल में जिपमर वाले एग्जाम में पूछा हुआ है लास्ट ईयर 2019। आसान है, देखिए थोड़ा सा, कि इन अ रीजन दिया हुआ था, इन अ रीजन पोटेंशियल अगर इस तरह से वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी करना होगा डिस्टेंस के हिसाब से, डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से, एक्स के भी टर्म में है, वाई के भी टर्म में है, पोटेंशियल अगर इस तरह से वेरी कर रहा है, तो पूछा जा रहा था देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2। पोटेंशियल खाली एक्स का फंक्शन होता तो बहुत आसानी से निकालते, खाली वाई का फंक्शन होता तो भी बहुत आसानी से निकालते। इस बार एक्स भी है, वाई भी है, जेड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इस बार तीनों निकालने के बजाय हमारा खाली दो ही से काम चल जाएगा। इस बार खाली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, खाली वाई के रेस्पेक्ट में, जेड वाला है ही नहीं, करते भी तो जीरो आ जाता। जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा, अब खाली पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर। जब आप वाई के रेस्पेक्ट कीजिएगा तो खाली वाई वेरिएबल होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन भी था आई का, थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो इज इक्वल टू, ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो माइनस माइनस प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला होता है वही होता है, बस उससे भी आसान कि जो वेरिएबल है खाली वही अंदर रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह से बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था, यहां भी 2x हो, वहां पे ब्रैकेट तोड़े तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाहर है, बाहर ही रहेगा। वाई का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इंटू जे का, अरेंज कीजिएगा तो आ जाएगा 2xy आई का और प्लस एक्स स्क्वायर जे का। पूछ रहा है एट पॉइंट 1, 2 पे, 1, 2 का मतलब उस एक्स के जगह पे 1, वाई के जगह पे 2, या जब वाई के जगह पे 2 बैठा हो गया तो 4i, एक्स के जगह पे 1 बैठा हो गया तो खाली है। दिया पोटेंशियल था, पोटेंशियल एक्स और वाई दोनों का फंक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इस तरह से। इसी में एक और अगर एग्जांपल अगर बात करें कि इनर रीजन अगर किसी रीजन में पोटेंशियल दिया है वी, पोटेंशियल अगर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब और प्लस 4k का, इस पर देखते थोड़ा सा, पोटेंशियल किसका फंक्शन है, एक्स के भी टर्म में है, वाई के भी टर्म में है, और साथ साथ पोटेंशियल स्केलर है, डायरेक्शन का कोई बात नहीं होगा, पोटेंशियल स्केलर है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब, चलो थोड़ा सा वेरिएबल मानते हैं, जेड मान ले। इस तरह से क्वेश्चन नीट में पूछा, पोटेंशियल दिया है, अब पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजिशन, कोई पर्टिकुलर पॉइंट बोलता था, पॉइंट पे नहीं निकालता। इस बार x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का भी फंक्शन। चलो थोड़ा सा लेंदी नहीं करते हैं, सिंपल ही रखते हैं, 4 ही रखते हैं। पोटेंशियल दिया रहेगा तो z रहेगा, z का बात करेंगे। दिया पोटेंशियल है, निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों का फंक्शन होने के कारण हमको पहले ये तीनों निकालना पड़ेगा। हमको एक करके पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट निकालना पड़ेगा।
जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो खाली एक्स वेरिएबल काउंट होगा, वेरिएबल काउंट होगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट। एक्स वेरिएबल में माइनस वाई बाहर, एक्स वेरिएबल में माइनस जेड क्यू बाहर, एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब चार को कॉन्स्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट कीजिए, वाई के रेस्पेक्ट में कीजिए या जेड के रेस्पेक्ट में कीजिए, हमेशा जीरो आएगा। अरेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, तो देख सकते हो माइनस वाई बाहर था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, माइनस जेड क्यू बाहर था, इसका तो वैल्यू वन। जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाहर वाई का, इसमें वाई नहीं है, इसमें वाई नहीं है, बाकी सब कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वन दिया जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो खाली जेड वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, ये जीरो, माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, खाली पार्शियल डिफरेंशिएशन उस जेड क्यू का, जेड क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, बाकी सब कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आ जाएगा माइनस एक्स जेड क्यू का हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर। हेंस जो हम निकालना चाह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट देगा। जहां पे इसका वैल्यू निकाले थे तो जो आ रहा था कुछ इतना, अगर ब्रैकेट तोड़ दे तो माइनस हट के प्लस आ जाएगा टू एक्स वाई प्लस जेड की, ये आई का। जब वाई वाला अगर निकाल चुके हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जी का, लास्ट जो जेड वाला था माइनस माइनस प्लस आएगा विच इज थ्री एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल। इस तरह से नीट में पूछा है, चलिए इसको पहले नोट कीजिए, कंप्लीट कीजिए।